वीके शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आबू पर्वत कक्षा 9 हिंदी कायद के अंतर्गत आज हम कैदी और कोकिला नामक कविता का अंतिम भाव का अध्ययन करेंगे। तुझे मिली हरियाली नदी, माखनलाल चतुर्वेदी जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेलों के अंदर बहुत सारे आंदोलनकारी बंद थे, ठीक उसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी एक आंदोलनकारी होने के नाते अंग्रेज सरकार की जेलों में बंद थे और वहां पर जब वो कोयल इस प्रकार से अर्धरात्रि के समय आकर चीखती है, बोलती है, तो कवि अपनी कल्पना के माध्यम से उस कोयल को संकेत करते हुए कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल, तेरे को तो हरियाली डाली मिली है। हरियाली यहां पर सुख और शांति और समृद्धि का प्रतीक है, यानी आप तो बड़े ही समृद्धशाली हो, आप तो बड़े ही वैभव का जीवन जीने वाली हो, इसलिए आपको ये हरी भरी डाली मिली है, यानी हरी भरी प्रकृति का आनंद लेने का अवसर आपको मिला है। और मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरा जो नसीब है या नसीब यानी भाई किस्मत, मेरी किस्मत तो इतनी खराब है, यानी मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे क्या मिला है, मुझे तो ये ब्रिटिश सरकार की जेल में अंदर रहने को मिला है। यानी एक यहां पर कवि के मन में अपने कल्पना के आधार पर वो अपनी ईर्ष्या को व्यक्त करना चाहता है कि हे कोयल, आप तो बड़ी भाग्यवान हो, आपको तो हरियाली डाली मिली है, आप तो वैभवपूर्ण जीवन जी रही हो, और एक मेरा भाग्य है कि मैं इस अंग्रेजों की काली कोठरी के अंदर बंद हूं। तेरा नर भर में संचार, हे कोयल तू स्वतंत्र है और स्वतंत्रता से बड़ा इस संसार में कोई सुख नहीं होता, इसलिए तू क्या करती है, तू नर भर में संचार, तू पूरे आसमान में संचार कर सकती है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति आजाद होता है कहीं भी आने जाने के लिए, जबकि परतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होती, कैदी की एक जेल के अंदर सीमा निश्चित है, जबकि कोयल पूरे आसमान में कहीं भी स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकती है। तेरा मेरा 10 फुट का संसार, यानी मैं इस 10 फुट की जेल के अंदर रहने के लिए विवश हूं, मजबूर हूं, और एक तेरी किस्मत है कि तू स्वच्छंद रूप से खुले आसमान के नीचे प्रकृति में कहीं भी घूम फिर सकती है। तेरे गीत कहा मैं वाह, हे कोयल तू बहुत मधुर गाती है, और जैसे ही तू गाती है, जैसे ही तू बोलती है, तो लोग आपकी वाह वाह करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, जबकि रोना भी है मुझे गुनाह, जबकि मैं जब रोता हूं तो मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है, अपराध है। ऐसा क्यों कहा गया? कवि कहना चाहता है ऐसा, कवि क्यों कहना चाहता है, कवि का भाव समझने की कोशिश करेंगे। वो कोयल को कह रहा है कि तेरे गीत कहा मैं वाह, अरे कोयल तू जब गाती है बोलती है तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा जैसा यदि बंदी यहां पर रोता भी है तो लोग उसको गुनाह ही समझते हैं, अपराध समझते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि यहां कहना चाहता है कि आप मधुर गाती हैं, प्रकृति ने परमात्मा ने आपको इस प्रकार का स्वभाव दिया है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हमने देश की आजादी के लिए संघर्ष करना स्वीकार किया है, और एक क्रांतिकारी कभी भी डरपोक नहीं हो सकता, एक क्रांतिकारी कभी भी अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार के सामने सिर नहीं झुका सकता, एक क्रांतिकारी कभी भी अपनी पीड़ा समाज के सामने व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रांति का जो मार्ग है, आजादी का मार्ग है, ये
कठिन मार्ग है, इसको हमने अपनी इच्छा से चेंज किया है। इसलिए यदि अब हम रोते हैं, यानी क्रांतिकारी के मार्ग पर चलते हुए यदि हम अन्याय अत्याचार के सामने यदि रोना शुरू करते हैं तो ये भी एक क्रांतिकारी के लिए शोभा नहीं देता। इसलिए लोगों के लिए ऐसा क्रांतिकारी प्रशंसा का पात्र नहीं होता, बल्कि वो निंदा के लायक ही होगा, क्योंकि क्रांतिकारी की जीवन का उद्देश्य केवल मातृभूमि के लिए लड़ना होता है, उसमें आने वाली बाधाओं से पीड़ित होना नहीं। देख विषमता तेरी में, जब मैं तेरी और मेरी इस प्रकार की विषमता देखता हूं, यानी तेरे भाग्य में और मेरे भाग्य में कितना अंतर है, इस विषमता को देख करके मैं बड़ा ही पीड़ित हो रहा हूं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही इस पर रण भेरी। एक बोल जरा सोचो, आपकी किस्मत अलग है, यानी आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप सुख समृद्धि की रखवाली, एक तरह से सुख समृद्धि का भोग करने वाली हो, स्वच्छंद हो, आप जब गाते हो तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन और फिर सबसे बड़ी बात है आप स्वतंत्र हो, लेकिन हम इस जेल के अंदर बंद हैं, हम अपनी पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकते। इस पर भी कोयल, आप इस प्रकार से ये रण की भेरी क्यों बजा रही हो? रण भेरी से तात्पर्य है युद्ध का संगीत, यानी युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक बजाया जाने वाला एक प्रकार का संगीत रणभेरी। और मुझे आप अंदर कैद के अंदर बंद होते हुए देखकर भी आप मुझे रण के लिए क्यों प्रेरित कर रही हो, युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रही हो, जबकि मैं एक कैदी के रूप में अंदर बंद हूं। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? फिर भी एक कोयल मुझे आप बताइए कि आप मुझे इस प्रकार रात के समय बोल करके चीख करके जो आप ये हुंकार भर रही हैं, आप मुझे जो आह्वान कर रही हैं, आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ जेल के अंदर बैठ करके कुछ रचनाएं लिख सकता हूँ। यानी ये वह समय था जब साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से युवा पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का भाव पैदा कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों में जोश पैदा करने का काम कर रहे थे। तो ये कवि कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ रहते अंदर रह करके कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन अपनी कृति के माध्यम से मातृभूमि की सेवा कर सकता हूँ, मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी तैयार कर सकता हूँ। तो इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो एक कोयल बोलिए, मैं एक कैदी होते हुए मैं क्या कर सकता हूं? मैं केवल एक रचनाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से इस देश के युवाओं को केवल हम प्रेरणा दे सकते हैं। मोहन के व्रत पर, मोहन से तात्पर्य यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम था। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? मोहन के व्रत पर, यहां पर मोहन के यानी महात्मा गांधी के व्रत पर, यानी महात्मा गांधी का व्रत कौन सा था, मोहनदास करमचंद गांधी का व्रत कौन सा था? मोहनदास करमचंद गांधी का केवल एक ही व्रत था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को स्वतंत्र करो, हमारी मातृभूमि को गुलामों की, हमारी मातृभूमि की जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ने का व्रत था। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि महात्मा गांधी ने जो देश को आजाद कराने का जो व्रत ले रखा है उसको पूरा करने के लिए मैं क्या कर दूं, प्राणों का आसर किस में भर दूं? मैं उसमें मेरे जो प्राण हैं उनका भी आसर यानी यहाँ पर मदरा से है, यानी मैं मदमस्त मेरे प्राणों को भी क्या कर सकता हूं, उन प्राणों की भी आहुति दे सकता हूं। कोकिल बोलो तो, यानी कवि कह रहा है कि मैं कैदी के रूप में रहते हुए या तो अपनी रचनाओं के माध्यम से इस मातृभूमि की सेवा करने के लिए तैयार हूं, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने
जो एक व्रत लिया हुआ है देश की आजादी का, उस देश को आजाद कराने के लिए मैं अपने प्राणों की बलि यानी प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार, यानी कभी यहाँ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।